किसी का बपौती है क्या पद ना ना पद किसी का बपौती है क्या है हाँ? देश का चौकीदार यू बोलना दे भाई कि जो इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना हुआ वो जवाहरलाल नेहरू के, कह, के से हुआ जो कुछ हो रहा देश में तो जवाहरलाल नेहरू चिराग जी जब आते हैं बिहार उनके दिमाग में एक ही चलता है नीतीश कुमार नीतीश कुमार मैं चिराग जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि चिराग जी पहले आप अपने घर को देखो। इस तारीख को भाजपा कर रहा है कि काला दिन होगा उस दिन जब आप लोग बैठक करेंगे मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस देश के लिए काला दिन उस दिन हो गया जिस दिन देश का चौकदार शपथ लिए ये लोग को मिर्ची लग रही है कि विपक्ष के साथी लोग कैसे एक हो रहे हैं। चौबीस फरियाले लंगोटा पहन के महागठबंधन के लोग तैयार है चुनाव हुए थे ना कर्नाटका में कितने बुरी तरह हार हो गई अब बिहार यूपी झारखंड, वेस्ट बंगाल देखिएगा बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और कुछ लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का हसीन सपना छोड़ दे जो देख रहे हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो दोगो हाथी पाल ले, लेकिन भर्म नहीं पाले यहाँ मुख्यमंत्री का सीट खाली नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है ऐसा नहीं हो कि ना घर के रहें ना घाट के रहें नमस्कार आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन तेईस तारीख को पटना में विपक्ष दलों का मतलब बैठक है जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम राज्य जा रहे थे और वहां के ओपोजिशन पार्टी के लीडर से मिल रहे थे जो सत्ता पक्ष में ए, लीडर हैं उनसे भी मिल रहे थे और यह निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में पटना में एक बैठक होगी तो डेट का भी अलाउंस हो गया है तेईस जून को होने वाला है लेकिन जो चिराग पासवान है वो इस विपक्षी एकजुटता की बैठक को घोर निंदा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जैसे बिहार में पुल गिर गई है वैसे ही उनकी विपक्षी एकजुटता की धराशाई हो जाएगी और भाजपा भी कहा है कि काला दिवस के रूप में होगा उस दिन जो ज्योति तारीख तेईस तारीख को बैठक होने वाली है तो क्या देख रहे हैं इस तरह का बार बार आरोप प्रत्यारोप टिप्पा टिप्पणी हो रहा था आप लोग विपक्षी एकजुटता का खाली नाम लेके घूम रहे हैं क्या जो व्यक्ति व्यंग के तौर पर ये कहे कि जिस तरह पुल के टूट गए उसी तरह महागठबंधन टूट जाएंगे वो व्यक्ति पहले अपना आंगन देखे दूसरे के घर में न उनका मत झाके भले अपना घर तो वो चुन लें कि किस घर में रहेंगे और बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है काला दिन देश के लिए तो काला दिन उस दिन हो गया जिस दिन देश का चौकीदार शपथ लिए थे आज कुछ लोग रोना रो रहे हैं चिराग जी 24 घंटे में मीडिया के सामने 20 बार मांगते हैं इस्तीफा आदरणीय नीतीश कुमार जी से जरा उनसे पूछिए ना इतने बड़े रेलवे में कांड हो गए हजारों लोग मारे गए अभी तक रेल मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री से चिराग जी ने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा क्या चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं नैतिक जिम्बारी नहीं लेना चाहिए देश की प्रधानमंत्री से म, मंत्री को क्या नैतिक जिम्बारी रेल मिनिस्टर को नहीं लेना चाहिए मणिपुर में इतने घटना घट गए हजारों वहां दलितों पर आक्रमण हुए दलित मारे गए आदिवासी मारे गए क्या चिराग जी का एक दिन भी वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा इन्होंने मांगा तो चिराग जी जब आते हैं बिहार उनके दिमाग में एक ही चलता है नीतीश कुमार नीतीश कुमार मैं चिराग जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि चिराग जी पहले आप अपने घर को देखो आप अपने घर को तलाशो बिहार का मुख्यमंत्री विकास पुरुष है एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को आमने सामने कर दो यही प्रधानमंत्री ना 2000 नोट को क्या बता रहे थे देश की जनता को कि उसमें चिप्स लगे हैं। यही रेल मिनिस्टर ना वैष्णो वैष्णो बाबू क्या बता रहे थे कि सुरक्षा कवच लगा है ये लोग पखंडवाद लोग है अब जनता का विश्वास उठ गया इन लोगों पर तेईस तारीख को भाजपा कर रहा है कि काला दिन होगा उस दिन जब आप लोग बैठक करेंगे पटना में जो तमाम नेता आपके आएंगे बाहर से। मैं तो कह रहा हूँ ना कि देश के लिए काला दिन उस दिन हो गया जिस दिन देश का चौकदार शपथ लिए ये काला दिन क्या हमारा विपक्षी एकता मजबूत हो रही है और होगा इसलिए लोग, ये लोग को मिर्ची लग रही है कि विपक्ष के साथ ही लोग कैसे एक हो रहे हैं अब न बुझाएगा इन लोग को हम लोग को एक होने दीजिए चौबीस फरियाले लंगोटा पहन के महागठबंधन के लोग तैयार है।, है आप लोग झूठ मुठ के विपक्षी एकजुटता को लेकर के ढोल पीट रहे हैं प्रधानमंत्री किसी का बपौती है क्या ना। पद ना ना पद किसी का बपौती है क्या है हाँ? कहे देश का चौकीदार यू बोल दे भाई कि जो इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना हुआ वो जवाहरलाल नेहरू के कहे के से हुआ जो कुछ हो रहा देश में तो जवाहरलाल नेहरू अरे आपने क्या किया इस देश का प्रधानमंत्री देखिएगा इस बार बीजेपी के लोगों लो, लोगों को खार फेंकी गई यहाँ की बिहार यही नहीं बल्कि देश की जनता इनको इनको मिल गया है यहाँ चुनाव हुए थे ना कर्नाटका में कितने बुरी तरह हार हो गई बिहार यूपी झारखंड वेस्ट बंगाल देखिएगा बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा ये लोग कितना पसीना बहा ले कहा गया 2000 का चिप्स चौकीदार से पूछिए ना देश की जनता को ये लोग भ्रमित कर, करता है लोग कहा गया रेलवे में सुरक्षा कवच कुछ लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का हसीन सपना छोड़ दे जो देख रहे हैं मुंगेरी लाल कासिन सपना वो दो गो हाथी पाल ले, लेकिन भर्म नहीं पाले यहाँ मुख्यमंत्री का सीट खाली नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है ऐसा नहीं हो कि ना घर के रहे ना घाट के रहे क्या कोई भी मतलब अब छोड़िए ना समझने वाला लोग समझ रहा है आप बताने अरे समझने वाला लोग समझ हमारे बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है तो आप बोल रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का और आप कर रहे हैं मुंगेरी लाल हसीन सपना तो आप लोग ना देख रहे हैं जी प्रधानमंत्री मैं नहीं देख रहा हूँ मेरा मेरा नारा नहीं लग रहा है आ, ना? ने ने लग है ना नीतीश कुमार अरे सुन लीजिए कुछ लोग नारा लगवा रहे हैं ना अपने आपको आ, आ? देखो देखो कौन आया नारा लग रहा है ना तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री का नारा लगता था कि देखो थी ए, 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 हर हर मोदी घर घर मोदी देश का प्रधानमंत्री का भी लोग नौजवान लोग नारा लगाते थे क्या लगाते थे पता है ना हर हर मोदी घर घर मोदी और वही नौजवान जब उनका चेहरा देख लिया सब उनका ए, काम करने का तरीका देख लिया तो वही नौजवान क्या नारा लगा रहा पता है हर हर मोदी नहीं गड़बड़ मोदी और बरबर मोदी मोदी जी मोदी जी गड़बड़ है है ना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तीन ड्रेस वे बदले हैं उनको थोड़ा सा आंसू लगा जिस तरह जिस तरह लाश को फेंका जा रहा था देश का चौकधार को कम से कम कुछ लगा कि किस तरह बुरी तरह लाश को लोग फेंक रहा है हाँ लाश कोई लोग गायब नहीं करवाया है हाँ हजारों की संख्या में वहाँ हमारे भाई वहाँ घटना घटना हुई है हजारों के से ऊपर अब बता रहे हैं दो सौ तीन सौ ये सब को तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश को पर, देश का प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार जी भी थे रेल मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया और ये, ये ये देश का एक चौकीदार को इस्तीफा देने में ए, ये लग रहा मिर्ची लग रही है तो रेल मंत्री मोदी नहीं ना हरा झंडा कौन हरी झंडी कौन दिखाता है? है देख लीजिएगा ना यहाँ एक बंदे मात्रम ट्रेन आया है बिहार में बिहार में उसका हरी झंडी रेल मिनिस्टर दिखाएंगे क्या आ रहे हैं बरबर मोदी या गरबर मोदी जनता को जनता को ज्यादा मूर्ख मत बनावे बीजेपी के लोग है हाँ। ना खाली राम के नाम पर राम रहीम के नाम पर वोट लेंगे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेंगे अरे युवा पूछ रहा है कि अब हमें राम मंदिर नहीं चाहिए राम रहीम नहीं चाहिए हमें चाहिए नौकरी चाहिए युवा नौ नौजवानों के नौकरी चाहिए अब क्या होगा एक तरफ आप लोग का विपक्षी एकजुटता का बैठक भी है अब भाजपा के काला दिवस में मनाएंगे तो क्या लग रहा है इसका निर्णय क्या कुछ होगा भाजपा को मनाना दीजान काला दिवस भाजपा नहीं। मालिक है का कर्नाटका का। में जा लोग जल रहे हैं अरे मिर्ची लग रही है हाँ, मिर्ची लग रही है, हाँ, है। कहने बाबा से वो बाबा आया था ना प्रखंडवादी प्रखंडवाद वो वो बेश्वरम को देखिए वो क्या कर रहा है हमको तो एक दिन पहले ही पता था इस पर इस पर तो तीन सौ दो का जमा होना चाहिए पर बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ खबर निकल के आती है इसको लेकर के हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे आपकी क्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में दे फेसबुक पे देख रहे शेयर करें यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अमन पटना बिहार धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें